अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी स्टूडेंट्स, हैव यू रिवाइज्ड यस्टरडेज टॉपिक? यस मैम। आयशा बेटा, आप कहाँ गायब हुए थे इतने दिन से? मैम वो गांव से तो आप बहुत पहले नहीं आते थे, अपने जहाँ गए हुए थे। टूर्स की थी ना, तो उसके बाद जब वापस आई थी तो तबीयत कुछ खराब हो गई थी मैम। अच्छा, तो आपको आइडिया है मुझे कि नहीं अनस्टेबल हो रहा? नहीं होगा तो ये लगाऊंगी। ठीक है, फिर ये लगा लूंगी मैं। जी क्या स्टडी किया है शाम में कल? जी स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी ऑल ऑफ यू? आवाज आ रही है आपको स्टूडेंट्स? अच्छा जी, एक तो मैं ये आपको बताऊं स्टूडेंट्स के स्कूल आपके ओपन होंगे ना, तो अक्टूबर के थर्ड वीक में, ऑलमोस्ट थर्ड वीक में आपके फर्स्ट चेक पॉइंट होंगे। ठीक है। हेलो साद जी। मैम साद और ताहा भी सुन रहे हैं ये बात? साद बेटा, आपको आवाज आ रही है? यस मैम। जी, अक्टूबर के थर्ड वीक में आपके फर्स्ट चेक पॉइंट्स आएंगे, तो मैम उसमें एएलपी से आएगा या नहीं? आपका अभी एक मीटिंग होनी है इंशाल्लाह हमारी ना स्कूल में, तो फिर कुछ आइडिया होगा कि फ्रॉम वेयर वी हैव टू मेक द पेपर्स। ओके मैम। अच्छा जी, कल का बताइए जी, कल हमने क्या किया था? साथ बेटा आप थोड़ा सा रिपीट करें, फिर देन आई विल आस्क फ्रॉम आयशा। मैम ये हमने कल किया था वो रेस्पिरेशन। जी, तो उसमें रेस्पिरेशन में व्हाट यू डिड अबाउट, व्हाट यू लर्न अबाउट रेस्पिरेशन, ये किस प्रस होती है? एक एरोबिक रेस्पिरेशन, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन मैम। लेकिन दोनों में एरोबिक रेस्पिरेशन में सीएच बॉन्ड होने के लिए ऑक्सीजन इस्तेमाल किया जाता है, और मैम ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड क्या कहते हैं फॉर्म होता है। तो लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, क्यों ये डिफरेंस आ जाता है, क्या वजह की डिफरेंस आ जाता है उसमें मैम? क्योंकि मैम जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है उसके अंदर ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही होती है, तो जो और मैम ये तब होती है जब हम कोई काम बहुत जल्दी जल्दी करते हैं और क्या कहते हैं रेस्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन बॉडी से इतनी नहीं मिल पा रही होती है, इसलिए फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से क्रैम्प क्रैम्प जाते हैं। तो कौन सा एसिड एक्यूमुलेट हो रहा होता है मसल्स में हमारे? जी, विच एसिड इज एक्यूमुलेटेड इन द मसल्स व्हेन वी फील क्रैम्प्स? मैम पाइरूविक एसिड। बेटा पाइरूविक एसिड तो मैम लैक्टिक एसिड। हां लैक्टिक एसिड होता है पाइरूविक एसिड। ओ मैम लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड जी, लैक्टिक एसिड। और साथ ये जरूरी नहीं है कि जस्ट ये हमारे में एक्सरसाइज भी ऐसे होता है, बहुत से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स
एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ठीक है, बहुत से फंजाए हैं जो कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है। जी आयशा आप थोड़ा सा रिपीट करो, ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये कौन से एक दूसरे प्रोसेस का रिवर्स है? Why we call it a reverse of photosynthesis? इस तरीके से आप देख लें इसे क्वेश्चन को। जी आयशा Why we call respiration a reverse of photosynthesis? जी मैम Why we call respiration a reverse process of photosynthesis? हम इसको photosynthesis का reverse क्यों बोलते हैं? Why? बेटा यही जो कल हमने topic किया ना respiration, उसी की chemical equation पूछ रही हूँ basically, indirect way में। What is the chemical equation of respiration? Chemical equation बताइए respiration की क्या है? मैम aerobic respiration की या anaerobic की? Overall respiration की chemical equation overall. जब start में chemical equation आई ना मैंने actually वो पूछा था आपसे। मैम पाइरूविक एसिड इनटू लैक्टिक एसिड। मैं आपको स्क्रीन पे शो करती हूँ। ताहा यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम आस्किंग? पेज ही नहीं मिल रहा। ताहा आर यू देयर? यस मैम। जी बेटा बताइए व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन? मैम C6H12O2 plus 6O2 into 6CO2 plus 6H2O plus energy. स्टार्ट में ग्लूकोज का फॉर्मूला आपने थोड़ा रॉन्ग बताया। C6H12O2 नहीं होगा, O6 होगा। मैम O6 plus 6O2 plus 6CO2 plus 6H2O plus energy. Yes. ठीक है, तो ये दिस इज अ केमिकल इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन, तो इसको आप कह सकते हो कि दिस इज अ रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आप मतलब यहाँ पर इसके मुझे आशा बताइए रिएक्टेंट्स कौन से हैं इस इक्वेशन में? व्हाट आर द रिएक्टेंट्स? मैम C6H12O2 + 6O2। O2 तो नहीं है बेटा, O6 है। आप O2 क्यों बोल रहे हो ग्लूकोज को? C6H12O6, दिस इज अ ग्लूकोज, दिस इज अ ग्लूकोज फॉर्मूला। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है सब स्टूडेंट्स को मेरी? यस मैम जी। तो इस पे मैम 6O2 बोला जी, वो तो ऑक्सीजन के लिए है ना। ग्लूकोज का फॉर्मूला बताएं जरा क्या है। ये सामने कर्सर पे मैं शो भी कर रही हूँ, मतलब स्क्रीन पे 6H12O6। तो ये दोनों जो हैं ये रिएक्टेंट्स हैं इन द इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन, और इनके आपस में कंबाइन होने से इनकी ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होने से जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं? जी व्हाट आर द प्रोडक्ट्स आयशा? आयान बेटा व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन? ये तो रिएक्टेंट्स थे, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स? Yes, I am. 6CO2.
प्लस सिक्स एच टू ओ प्लस एनर्जी। सीओ टू क्या है, किस गैस का नाम है? हम कार्बन डाइऑक्साइड और एच टू ओ वाटर। तो अब ये जो इसके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं अच्छा, दे आर, ये तो रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करो तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन को उल्टा कर दिया, उसमें ये दोनों एज ए रिएक्टेंट्स होते हैं एनर्जी के साथ, दीज आर द रिएक्टेंट्स, ठीक है, और इनके आपस में कंबाइन करने से ये वाले प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं। तो मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि व्हाई वी कंसीडर रेस्पिरेशन एज अ रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आपने आंसर में ये इक्वेशन को एक्सप्लेन करना होगा कि जो उसके प्रोडक्ट्स हैं वो उसके रिएक्टेंट्स बन जाते हैं, वो जो उसके रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, ऑपोजिट रिजल्ट दे रहा है ना। तो दिस इज द आंसर, दिस वाज द आंसर। अच्छा जी, कल साहब ने हमें बताया था कि हमने ये वाला टॉपिक आयन एक्सक्लूड करना है, इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन। सर आबित कह रहे हैं कि वो यही सिलेबस फॉलो करवा रहे हैं। कौन सा मतलब, कोई वो जो एक स्मार्ट सिलेबस है, नया सिलेबस? हाँ जी, वही कह रही हूँ ना, तो उसमें ये वाला टॉपिक एक्सक्लूडेड है ना, क्योंकि मुझे भी जो साथ में भेजा है ना उसमें ये वाला टॉपिक एक्सक्लूड किया हुआ है, इम्पोर्टेंस। चले आज आ जाते हैं फिर मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। साद और ताहा तो आई थिंक लीव कर गए हैं, उनका इंटरनेट इशू है शायद, कोई लीव कर गए हैं दोनों। चले जी स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द प्रोसीजर ऑफ रेस्पिरेशन, एंड बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस, लेकिन आसानी के लिए इट इज ब्रोकन डाउन इनटू थ्री स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस इज बेसिकली द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की इसमें ब्रेक डाउन होगी बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो बेसिकली इसको आप ग्लूकोलाइसिस भी कह सकते हो, लेकिन बुक्स में ग्लाइकोलाइसिस के नाम से ये स्टेप है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो ग्लाइकोलाइसिस है ये कहाँ होगा, सेल के साइटोप्लाज्म में ये एग्जीक्यूट हो रहा होगा। उसके बाद सेकंड स्टेप आएगा विच विल हैपन इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल, जहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन होती है। तो उसमें क्रब साइकिल में आपको ये वाले मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, एटीपी, एनएडीएच एंड एफएडीएच2। दीज आर, जो एटीपी है वो तो एनर्जी है, एनर्जी करेंसी है, NADH and FADH they are coenzymes, ठीक है। तो these are energy molecules, तो ये सारे हमें Krebs cycle में मिलेंगे। उसके बाद electron transport chain, that is the third procedure, it also execute in the mitochondria of the cell, और इसके अंदर भी जो हमें जो electrons transport chain का मतलब है कि ये जो molecules है ना जो ऊपर produce हो रहे हैं, they will provide electrons, और वो step wise एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर होंगे। और आपको पता है जब भी इलेक्ट्रॉन्स आगे आगे मूव करते हैं फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू द अदर, देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ लॉट ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी हमें एनर्जी मिलेगी बहुत सारी, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक एक जनरल इसका व्यू है। ओके, हु विल रीड टुडे? ताहा बेटा यू स्टार्ट रीडिंग मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। हेलो ताहा, जिसको मेरी बात, यस आवाज आ रही है ना स्टूडेंट्स आपको? प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्शंस। For the studies of all reactions of glucose oxidation, we will move, go into the mechanism of aerobic respiration. Aerobic respiration is a continuous process of glycolysis, Krebs cycle, and electron transport chain. Glycolysis occurs in cytoplasm and जी कह रही हूँ, पढ़ते जाइए।
glycolysis occurs in cytoplasm and oxygen is not involved in this stage. That is why it occurs in both types of respiration, aerobic and anaerobic. In glycolysis, glucose 6C molecule is broken down into two. Molecules of pyruvic oxidized on the formation of ATP, NADH, and FADH, and a bifidine chain into a two carbon compound called acetyl COA, electron transfer chain. Acetyl coenzyme. Cellular respiration. Acetyl coenzyme A transport chain. It is the final step of cellular respiration. It is transfer of electron on an electron transport chain. In this step, NADH and FADH2 release electrons and hydrogen ions. Release electron and hydrogen ions. चलिए जी स्टूडेंट्स, इस ये जो भी आपने थ्योरेटिकल देखा है उसका मैप आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा. स्टूडेंट्स कैन यू सी द मैप ऑन द स्क्रीन ऑल ऑफ यू? जी अब इसमें आपको शो क्या किया जा रहा है स्टूडेंट्स? आज मुझे आपकी आवाज का थोड़ा इशू आ रहा है, आई डोंट नो ऐसे ब्रेक हो के आ रहे. इसमें स्टार्ट में ग्लाइकोलाइसिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन. यू कैन सी ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूविक एसिड. हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर इन प्रेजेंट इन द ग्लूकोज साल्ट? हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन ग्लूकोज? मैम सिक्स. तो सिक्स कार्बन कंपाउंड ब्रोकन डाउन इनटू टू पाइरूविक एसिड. और पाइरूविक एसिड का एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम्स होते हैं? थ्री. तो सिंपल is that जो six carbon compound है broken down into two molecules of three carbon compounds, ठीक है? और इस process में ADP और NADA जो है ये दोनों involved होंगे. As a result, energy जो है वो produce होगी और ADP is converted into adenosine triphosphate, ठीक है? और साथ ही एक coenzyme produce हो जाएगा NADH reduced form में. ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा energy producing molecules हैं. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो जाएगा विच विल हैपन इन द माइटोकॉन्ड्रिया. ये एमसीक्यूज में आता होता है स्टूडेंट्स. ग्लाइकोलाइसिस हैपन इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल व्हाइल क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज है दे अकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल, ठीक है? इसको आप बेशक पॉइंट साइड पे कहीं लिख लो कि ये दोनों जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं. ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता होता है. अच्छा जी, होगा क्या? जो पाइरूविक एसिड है ना वो फर्दर अगला स्टेप स्टार्ट करेगा क्रेब्स साइकिल का, और उसके लिए उसको एसिटाइल कोएंजाइम ए की हेल्प की जरूरत होगी. दैट इज अ, ठीक है, ये एक कंपाउंड है और उसमें जो कोएंजाइम इस्तेमाल हो रहा है दैट इज ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो इट विल. और इसके साथ और जो दूसरे एनर्जी मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होंगे वो क्या होंगे? एटीपी, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड. ये सारे मॉलिक्यूल्स इसमें इस्तेमाल होंगे एंड पाइरूविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में. और एटीपीज प्रोड्यूस होंगे, यानी कि एडीपी इस्तेमाल हो रहा है तो इट विल कन्वर्ट इनटू एटीपीज, एनएडीएच, इनकी रिडक्शन हो रही है यहाँ पे निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड की और फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसकी भी रिडक्शन हो रही है, ठीक है? अब ये वाले जो सारे मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, देखो अब हर स्टेप में एनर्जी रिलीज हो रही है. एज ए रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज्ड इन ईच स्टेप. उसके बाद थर्ड स्टेप आ जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, जिसमें ये इसके जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुए थे क्रेब्स साइकिल के रिड्यूस्ड फॉर्म में दे विल यूज ओवर हियर. और ऑक्सीजन, अब इस स्टेप पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल आएगा. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के स्टेप पर ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगी और ये जो रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल्स हैं वे इसमें आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन यहाँ से मिल रही है और हाइड्रोजन इनके पास पीछे से आई है, क्योंकि रिड्यूस होकर आए ना मॉलिक्यूल्स. तो उसके रिजल्ट में वाटर प्रोड्यूस होगा प्लस एटीपीज के बहुत से मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे. और चूंकि हाइड्रोजन वाटर में इस्तेमाल हो गई है तो एनएडीएच और एफएडीएच दोबारा से ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आपको यहाँ नजर आ रहे हैं. यहाँ से इसकी हाइड्रोजन
निकल गई है यानी कि ये ऑक्सीडाइज हो गए हैं ठीक है तो दिस इज द फुल स्टेप ऑफ फुल मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इसका भी हम एनर्जी बजट जब नेक्स्ट उसमें देखेंगे इसमें ये भी बाद में हम देखते हैं एनर्जी बजट पहले आप एनर्जी बजट मीन्स कि कितने कितने एटीपीज प्रोड्यूस हो रहे हैं और कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है हर स्टेप में वो हम एंड वाले टॉपिक में देखेंगे फर्स्ट आपने जस्ट इस मैप को रीड करते हुए ये याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं और क्रब साइकिल में कौन से प्रोडक्ट्स हैं एंड फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि रिलीज हो रहे हैं ठीक है अब इसको रिपीट करते हैं वन बाय वन आयशा बेटा रिपीट द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप है वो क्या है वो जरा आप एक्सप्लेन कीजिए दोबारा से इस इक्वेशन को देखते हुए मैम ग्लाइकोलाइसिस में जो ग्लूकोज है वो टू मॉलिक्यूल्स में ब्रोकन डाउन हो जाता है हेलो मैम आपको आवाज नहीं आ रही यस मैम जी आवाज बड़ी गैप के बाद आ रही है आई डोंट नो मेरा पता नहीं आज इंटरनेट का इशू आ रहा है कोई बार बार इंटरनेट कनेक्शन मैम आपकी भी चले पूरा स्टेप बता दीजिए आयशा उसके बाद फिर नेक्स्ट मैं चलूँ आके मैम टू पाइरूविक एसिड्स जो होते हैं ना मतलब टू मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है ग्लूकोज जो होता है 6C से 3C और आगे नेक्स्ट और क्या बन रहा है इसके साथ प्रोडक्ट्स में मैम एटीपी और एटीपी क्या चीज है व्हाट इज एटीपी एनएडीएच तो एटीपी क्या है बेटा व्हाट इज एटीपी एंड व्हाट इज एनएडीएच मैम एटीपी न्यूक्लियोटाइड है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इट्स पीछे हम टॉपिक पढ़ चुके हैं ये हमारी बॉडी में क्या काम कर रहा है व्हाट इज इट्स फंक्शन जी आयान या साद आप दोनों में से कोई बच्चा बताए व्हाट इज एटीपी व्हाट इज इट्स फंक्शन इन आवर बॉडी एनर्जी करेंसी जी आयशा दिस इज एनर्जी करेंसी देखे ना ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से हमें जो पाइरूविक एसिड मिल रहा है उसके साथ साथ हमें बहुत सी एनर्जी भी मिल रही है यही तो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है रेस्पिरेशन का कि ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो जाए या उसकी ब्रेकडाउन हो जाए उसके रिजल्ट में हमें एनर्जी रिलीज एनर्जी जो है वो बॉडी को मिल ठीक है तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है बहुत सारी प्लस NADH रिड्यूस फॉर्म में मिल रहा है जो आगे चल के मजीद एनर्जी प्रोड्यूस करेगा ठीक है जी जी आयान विल यू एक्सप्लेन द क्रेब्स साइकिल इन व्हिच ऑर्गन क्रेब्स साइकिल हैपन आयान यस मैम ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है किस में होता है और इसके सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया आयान बेटा प्रोनाउंस द करेक्ट वर्ड माइटोकॉन्ड्रिया ओके जी जी चलिए बताइए और फिर फॉर्मेशन होती है एटीपी की एनएडीएच की और एफएडीएच 2 की होती है व्हाट इज इसके पहले इनके नाम भी आपको याद होने चाहिए ना स्टूडेंट्स प्लीज नेम देम प्रॉपरली ये तो सिंपल आप इनके फॉर्मूलाज मुझे बता रहे हो तो व्हाट आर द नेम्स ऑफ एडीपी एफएडी एंड एनएटी मैम एडीपी स्टैंड्स फॉर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडेनोसिन डाइफॉस्फेट
मैम NADH stands for nicotinamide adenine dinucleotide hydrogen. Nicotinamide dinucleotide. ठीक है. और what is FAD? It is flavin adenine dinucleotide. ये दोनों जो हैं ये as a coenzyme काम करेंगे. ठीक है. They are the helpers in this procedure. ठीक है. They help as a coenzyme. Clear? जी साथ आप नाम बताइए इन तीनों yes, के मुझे. जी साथ आप बताइए नाम आपको पता है इन तीनों के नाम. मैम एडीपी तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है. यस मैम एडीपी तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है. एनएडीपी एनएडीपी मैम एनन्यूक्लियोटाइड है. और मैम एफएडी फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. फ्लेविन एडेनिन फ्लेविन एफ ये आपकी फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. ठीक है. ये आपकी बुक के ना साइड ब्लॉक में दी गई है इन्फॉर्मेशन. आमना बेटा आप भी जरा रिपीट करो इनके नेम्स को. यस आमना. हेलो एडीपी. जी एडीपी का नाम बताइए पूरा. एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. देन एफएडी क्या नाम है इसका फुल. फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. जी फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. एंड द थर्ड वन. जी आयशा इनको बताइए जरा. निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड. डाइन्यूक्लियोटाइड. जी आमना रिपीट द नेम. जी ताहा आप बेटा क्रक्स साइकिल को आयान ने स्टार्ट किया था सो कंप्लीट कीजिए. इन सब के मिलने से इन सब के कॉम्बिनेशन से क्या प्रोड्यूस हो रहा है. मैम पाइरूविक मॉलिक्यूल ऑक्सीड हो जाते हैं और जो इट एटीपी एनएडीएच और एफएडीएच क्रेब्स साइकिल में एंटर होने से पहले पाइरूविक एसिड दो कार्बन कंपाउंड में चेंज हो जाता है. और अच्छा मुझे बताइए इस स्टेप पे ग्लाइकोलाइसिस में और क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीजन का क्या डिफरेंस है. व्हाट इज द डिफरेंस इन बोथ ऑफ दीस प्रोसीजर्स. ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है. नो नो मैम. नो मैम. जी साइटोप्लाज्म में उसके अंदर आइसोलेट ऑक्सीजन इन्वॉल्व ही नहीं होता. जी बिल्कुल. इन ग्लाइकोलाइसिस देयर इज नो यूजेज ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. जबकि क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी. ठीक है. क्योंकि पाइरूविक एसिड की ऑक्सीडेशन हो रही है. यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये देखें कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन नजर आ रही है ना आपको. अच्छा जी थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. आयान बेटा आप इसको एक्सप्लेन करो. व्हाट हैपेंस इन द इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट चेन. ये हो कौन से ऑर्गेनेल में रही है. मैम माइटोकॉन्ड्रिया. जी माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है. जी आयान. यस मैम. ये फाइनल स्टेप होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में जिसमें जो हमें एसिटिल COA से NADH और FADH2 मिलते हैं वो हम इसमें यूज करते हैं. और O2 हमारा हैज अ सब एंजाइम यूज होता है मतलब ऑक्सीजन. उसके बाद प्रोडक्ट के तौर पे हमें वाटर मिलता है ATP NADH NAD और फिर हमें FAD मिलता है. बेसिकली हाँ जी बिल्कुल ठीक है. बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नाम से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना स्टेप वाइज एक कैरियर से दूसरे कैरियर में ट्रांसफर होते हैं. ठीक है. कैरियर मींस इलेक्ट्रॉन को लेकर रिसीव करता है और अगले मॉलिक्यूल में ट्रांसफर कर देता है. आपकी बुक में बहुत कम इंफॉर्मेशन है. बहुत कम बेसिक बेसिक बातें बताइए. तो बेसिकली इसमें होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन्स
ट्रांसफर होंगे, जैसे आप वो गेम नहीं खेलते पार्सल गेम, उसी तरह से यहाँ पे हो रहा है कि एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और फिर आगे ट्रांसफर कर देगा, लेकिन हर स्टेप में जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल, एनर्जी रिलीज होगी। कि इलेक्ट्रॉन्स जब भी किसी एटम से निकलते हैं ना, या किसी एटम में एंटर होते हैं, तो एनर्जी की रिलीज होती है। ठीक है, केमिस्ट्री अभी आप इसको आगे चल के देखोगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, कि इलेक्ट्रॉन्स जब भी मूव करते हैं ना फ्रॉम वन एटम टू द अदर, तो इलेक्ट्रॉन सो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक कैरियर से दूसरे कैरियर में शिफ्ट हो रहे होते हैं, और हर शिफ्ट पर एनर्जी रिलीज होती है। प्लस इसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है, तो ये जो दोनों कोएंजाइम्स हैं NADH एंड FADH2, इसकी हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, प्लस लॉट्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, एनर्जी रिलीज होगी। और जब ये दोनों हाइड्रोजन अपनी छोड़ देंगे NADH एंड FADH2, तो अगेन रीजनरेट इनटू NAD एंड FAD। अब आप ये भी चीजें देखो, अल्लाह ताला के कैसा सिस्टम है कि जो चीज इस्तेमाल हो रही है ना आपकी, वो अगले स्टेप में दोबारा से प्रोड्यूस हो जाती है, ताकि दोबारा से साइकिल जो है वो स्टार्ट हो सके। ऑब्वियसली ये दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं, जो NADH NAD एंड FAD जो बन रहे हैं, वो दोबारा से ऊपर चले जाएंगे और ग्लाइकोलाइसिस में क्रैब साइकिल में दोबारा से, यहाँ पर जरूरत है ना इसकी क्रैब साइकिल में, तो ये जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना, ये दोबारा से ऊपर चले जाएंगे वापस, और दोबारा से अपना काम स्टार्ट कर देंगे क्रैब साइकिल के अंदर। तो एक साइकिल की तरह ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, दे बिहेव जस्ट लाइक अ साइकिल, और साइकिल की तरह बनते भी हैं और टूटते भी हैं, फिर बनते हैं फिर टूटते हैं। तो प्रोसीजर जो है वो कंटिन्यूसली चलता चला जाता है, एंड वी प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एनर्जी इन दिस रेस्पिरेशन प्रोसेस। इसका जो एनर्जी बजट है, ये इंशाल्लाह मैं वैसे कल करवाऊंगी। इसका आप ये डायग्राम देखो, इसमें दिखाया जा रहा है कि जो ग्लूकोज है, उस जब ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप हो रहा है, पाइरूविक एसिड में कन्वर्जन हो रही है, तो कितने ATPs प्रोड्यूस हो रहे हैं इस स्टेप पर? 2 ATPs प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसकी डिटेल इंशाल्लाह मैं कल करवाऊंगी, आज नहीं, फिलहाल इसको देख लेंगे। 2 ATPs प्रोड्यूस हो रहे हैं, और जब पाइरूविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, तब जो है NADH प्रोड्यूस हो रहा है, रिड्यूस्ड फॉर्म में NADH प्रोड्यूस हो रहा है 2। उसके बाद क्रैब साइकिल स्टार्ट हो जाता है, इट्स ये क्रैब साइकिल जो है, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए की प्रेजेंस में क्रैब साइकिल जो है वो स्टार्ट हो रहा है। उसके रिजल्ट में फिर NADH और FADH प्लस ATPs, यानी कि हर स्टेप में एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ओवरऑल जब हम इसको प्लस करेंगे ना, तो वो टोटल 36 का हमारे पास नंबर आएगा, यानी कि एक ये जो पूरा रेस्पिरेशन का आपका जो मैकेनिज्म है, विच इन्वॉल्व्स 3 different steps, उसके रिजल्ट में 36 ATPs बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो दिस इज टोटल एनर्जी बजट। कल इसको हम थोड़ा सा ज्यादा डिटेल से देखेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, सर हैंस क्रैब, इन्होंने जो है ये क्रैब साइकिल जो है इस पर डिफरेंट सीरीज पर काम किया था, जैसे कि केल्विन साइकिल के लिए भी आपको एक नाम बताया गया था, कुछ याद है किसी को केल्विन साइकिल किसने एक्सप्लोर किया था? मेल्विन केल्विन। यस, मेल्विन केल्विन ने क्रैब साइकिल, सॉरी केल्विन साइकिल पे काम किया था, जबकि जो सर हैंस क्रैब्स हैं, कितना ऑनर है कि उन्हीं के नामों पर फिर नाम रख दिया जाता है ना, उस स्टेप का नाम ही उनके नामों के ऊपर रख दिया जाता है, बिकॉज दे वर्क्ड अ लॉट फॉर दीज डिस्कवरीज। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आ रही है, हु विल रीड दिस? आयशा बेटा आप रीड करो इसको, ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है जो कि MCQs में आ रही होती है आपके। Why it is incorrect to say that the energy releasing step of respiration is electron transport chain? कह रहे क्यों incorrect है कि electron transport chain को energy releasing process कहा जाता है? अब इसको सीधा करके कौन पढ़ेगा? Who will read this? क्योंकि ये उल्टा लिखा हुआ है ना answer इसका। मैं ही पढ़ दूँ? पढ़े मैं ही पढ़ दूँ? चले आई energy release। आयशा बेटा आमना को बोल दें वो पढ़े। Okay ma'am। Energy release in glycolysis and Krebs cycle in the form of NADH and FADH2, electrons transport chain transforms the energy present in these components to ATP. उन्होंने कहा कि क्यों कहा जाता है, it is why it is incorrect, इसको गलत क्यों कहा जाता है कि energy releasing step जो है वो कौन सा है यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज एनर्जी रिलीजिंग स्टेप. क्यों इसको हम रॉन्ग समझते हैं स्टेटमेंट को? वजह क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो बेसिकली एनर्जी तो पीछे प्रोड्यूस हो चुकी है इन द फॉर्म ऑफ एनएडी एएच एंड एफएडीएच. किस कौन से स्टेप्स में ये दोनों मॉलिक्यूल्स बने थे? कौन से स्टेप में बने थे? इन द क्रेब्स साइकिल. ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में नहीं बने, बने तो पहले ही हैं, तो एनर्जी तो यहाँ पे रिलीज हो चुकी है. एनर्जी जस्ट रिलीज होके यहाँ पे स्टेप वाइज आगे आगे ट्रांसफर हो रही है. इसलिए ये कहना गलत है कि सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के स्टेप पे प्रोड्यूस हो रही है. एनर्जी तो पीछे प्रोड्यूस हो चुकी है. ठीक है, जी स्टूडेंट्स, अब आपको आवाज आ रही है? यस मैम. जी साथ क्या बताया, व्हाई एनर्जी जो है कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज नॉट अ स्टेप इन विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. तो कह रहे क्यों ऐसे है, क्यों ये गलत स्टेटमेंट हम समझते हैं इसको, व्हाई? एटीपी में उसके अंदर कंपोज होती है. ओ मैम, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होता है ना वो ट्रांसफॉर्म करता है एनर्जी. मैम क्योंकि क्रेब साइकिल में पहले ही एनर्जी प्रोड्यूस हो गई होती है. पहले, बिल्कुल, क्रेब साइकिल में पहले ही एनएडीएच और एफएडीएच2 प्रोड्यूस हो चुके होते हैं जिसके अंदर एनर्जी बन स्टोर हुई भी है. ठीक है, स्टोर हुई भी है, सिर्फ उस एनर्जी को निकाला जाता है बाहर और ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है एटीपी की फॉर्म में. और ये स्टेप हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में. तो लोगों को लगता है कि सारी की सारी एनर्जी जो है, मोस्ट जो एनर्जी है मोस्टली वो इस स्टेप पे प्रोड्यूस हो रही है. प्रोड्यूस तो पहले ही हो चुकी होती है, वो जस्ट बाहर आनी होती है बाय द हेल्प ऑफ कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स. तो वो इस वजह से ये मिसकन्फ्यूजन होता है. जी स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क आप खुद ही मुझे बता दें आप क्या कर सकते हो मेरे लिए. मैम ये डायग्राम ड्रॉ कर दें. बिल्कुल, यू मस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम ऑल ऑफ यू. बल्कि मैं तो कहूंगी इसे तीन तीन दफा ड्रॉ करें, क्योंकि ये जिस बच्चे को याद होगी समझो उसने रेस्पिरेशन का फुल मैकेनिज्म लर्न कर लिया. टू टाइम्स एटलीस्ट ड्रॉ करना है आप सबने इसको. ठीक है जी स्टूडेंट्स. ओके मैम. जी आयान बेटा आप भी कसम तोड़ दें, आज तो काम करके दिखाई दे मुझे आना. ओके मैम. इतनी सुस्ती से बोल रहे हैं, नहीं करेंगे आप, पता चल गया मुझे. नहीं मैम मैं करूंगा. चलें, वेरी गुड, बिल्कुल जरूर कीजिएगा. और स्कूल्स इंशाल्लाह ताला खुल रहे हैं 1st of October से. और ऑल ऑफ यू ट्राई योर बेस्ट टू गेट फुल मैक्सिमम मार्क्स इन ग्रेड 9. ठीक है जी, आपका सिलेबस पहले ही अब शॉर्ट हो रहा है, तो शॉर्ट सिलेबस से फुल फायदा उठाना है आप सब ने. ठीक है, यस मैम. चलो जी, ठीक है जी स्टूडेंट्स, आई एम क्लोजिंग दिस मीटिंग. ओके जी, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज मैम.